हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक केयर्स के। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि सैमसंग गैलेक्सी A52s में आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको फ़ोन के डायलर में चले जाना है। डायलर में जाने के बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट्स की ऑप्शन मिलेगी, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्ड कॉल्स, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आप अगर आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग करनी है तो आपको यहाँ से इसको ऑन कर देना है। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है तो ये ऑन हो जाएगा। और अगर आपको सेटिंग्स करनी है तो आपको यहाँ पे ऑटो रिकॉर्ड कॉल्स पे क्लिक करना है। और दोस्तों, अगर आप किसी अननोन नंबर यानी कि जो नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सेकंड वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, कॉल्स विद अनसेव्ड नंबर, आपको इस पे क्लिक कर देना है। और अगर आप कोई नंबर चूज करके उसकी कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे थर्ड वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, कॉल्स विद स्पेसिफिक नंबर। और यहाँ पे क्लिक करके नंबर्स टू ऑटो रिकॉर्ड, आपको यहाँ पे क्लिक करके नंबर जो है ऐड कर देना है। यहाँ पे अगर आप कॉल हिस्ट्री में से कोई नंबर ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे रीसेंट्स पे क्लिक कर देना है। अगर आप कॉन्टैक्ट्स में से कोई नंबर ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक कर देना है। अगर आप खुद से डायल करके कोई नंबर ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, तो आप नंबर ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप ऑल सभी कॉल्स की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऑल कॉल्स पे क्लिक कर देना है ऐसे।